दोस्तों इस वीडियो में एक ऑडियो में शेयर करने जा रहा हूं, जिस ऑडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये ऑडियो है कुक नीरज का, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर खाना बनाने का काम किया करता था। ये ऑडियो कब की है ये भी नहीं पता, पिछले साल की है या अभी कुछ दिन पहले जो पूछताछ जारी हुई है उसकी है। ये एनसीबी से पूछताछ के दौरान की है या सीबीआई से पूछताछ के दौरान की है ये बात अभी क्लियर नहीं है। सोशल मीडिया पर ये ऑडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कुक नीरज ऐसी ऐसी बातों का खुलासा कर रहा है जिसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार की गई है, स्क्रिप्टेड है। और इस योजना के पीछे इस ऑडियो को सुनने के बाद पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या तो नहीं की थी। सुशांत सिंह राजपूत को टारगेट किया गया है बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, और जो टारगेट करने वाला इंसान है वो बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि जब घर के मालिक को ही उसके आसपास रहने वाले लोगों को अपने हिसाब से मना लिया जाता है कि इस इंसान को टारगेट करना है, तो आप समझ सकते हैं कि वो शख्स कितना शक्तिशाली होगा। तो पहले आप इस ऑडियो को सुनिए और समझिए, आपको पता चल जाएगा कि इस ऑडियो में कितनी सफाई से झूठ बोला जा रहा है। ये कुक नीरज इस तरह से बातें बोल रहा है जैसे कल इसका एग्जाम हो और आज रात ये रट्टा मार रहा हो। तो चलिए सुनते हैं इस ऑडियो को। सर, जब हम कैपरे हाइट्स में रह रहे थे तभी सुशांत सर ने हमें वॉकी टॉकी दिए थे, तो हमसे वो जो कुछ भी मांगना चाहते थे सर वो वॉकी टॉकी पर मांग लेते थे। लेकिन सर एक रात कुछ अजीब सा हुआ था। अजीब सा मतलब? सर जब मैं और रवि सो रहे थे तभी वॉकी टॉकी पर सुशांत सर की आवाज़ आई और नीरज लाइट बंद कर दो। तो मैं ऊपर गया तो देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और सर लाइट भी बंद थी। मैं फिर नीचे आया, थोड़ी देर बाद फिर वही संदेश आया वॉकी टॉकी पर, सुनाई दिया नीरज लाइट बंद कर दो। मैं फिर से ऊपर गया तो मैंने देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और लाइट भी बंद है। इस घटना से मैं थोड़ा सा डर गया था और मैं उस रात सो भी नहीं पाया था। उस घर में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती थी, ड्रम अपने आप बजना, लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे जाना, लाइट अपने आप जलना बंद होना। तो इन्हीं अजीब घटनाओं की वजह से सुशांत सर ने वो कैपरी हाइट्स छोड़ दिया और वो वाटरस्टोन क्लब में रहने के लिए चले गए। यार चक्रवर्ती के साथ क्या था? सुशांत सर अक्टूबर 2019 में रिया मैम के साथ यूरोप गए थे। जब वो वापस आए तो वह रिया मैडम के साथ ही रह रहे थे, तो उन्होंने दिवाली भी वहीं मनाई थी। और 10-15 दिन के बाद जब वो कैपरी हाइट्स वापस आए तो वो बहुत ही कमज़ोर से लग रहे थे और उसी समय एक नए घर की तलाश भी कर रहे थे। लॉकडाउन में रिया मैडम सुशांत सर के घर रहने के लिए आ गई थी, वे लगातार सर के साथ ही थी। रिया मैडम सिर्फ एक या दो दिन के लिए अपने माता पिता के पास गई थी, फिर उनके माता पिता एक दो दिन के लिए माउंट ब्लैक में रहने के लिए आए थे। तो फिर उसके बाद सुशांत सर और रिया मैडम डेली ब्लैक कॉफ़ी पीते थे। रिया मैडम और सुशांत सर सुबह में ऊपर छत पर एक्सरसाइज करते थे और कभी कभी लंच के बाद सुशांत सर मुझे बोलते थे कि योगा के और म्यूजिक के उपकरणों को लगा दो, और डिनर के लिए केशव को बोला जाता था। 8 जून को क्या हुआ? सर 8 जून को केशव और मैं भोजन तैयार कर रहे थे और हम रिया मैडम और सुशांत सर को खाने के लिए बुलाने वाले थे, तो तभी रिया मैडम ने मुझे बुलाया और उनके बैग में कपड़े रखने के लिए कहा। उस समय रिया मैडम थोड़ी गुस्से में थी, रिया मैडम ने बचा हुआ सामान वापस आकर ले जाने की बात कही। उसी समय रिया मैडम अपने भाई शोविक के साथ बिना भोजन किए चली गई थी। 13 जून को क्या कुछ अलग नोटिस किया तुमने? 13 जून को सुशांत सर सुबह 7 बजे उठे, तब मैं हमेशा की तरह कुत्तों को वॉक कराने गया था और 9 बजे वापस आया तो सुशांत सर अपने कमरे में बैठे थे। मैंने कहा मुझे कमरे साफ करना है, तो वो बोले बाद में करना। दोपहर में मैं सर को खाने के लिए खिचड़ी देने गया था और फिर वो
ऊपर छत पर टहलने के लिए निकले और फिर जब वहाँ से वापस आए तो मैंने उनसे रात के खाने के लिए पूछा तो उन्होंने कुछ खाना वाना नहीं खाया, बस आम जूस पिया था और फिर वो सो गए थे। बस और कुछ नहीं? फिर 14 जून? सर 14 जून को वही हमेशा की तरह सुबह 6:30 बजे उठा और हमेशा की तरह कुत्तों को टहलाने गया था और फिर मैं 8 बजे ऊपर के कमरे की भी सफाई कर दी थी सर, और फिर सीढ़ियों की सफाई करते करते सुशांत सर कमरे के बाहर आए, उन्होंने मुझसे ठंडा पानी मांगा तो उन्होंने ठंडा पानी पीते हुए बोला कि हॉल की भी सफाई कर दो, तो मुस्करा कर अंदर चले गए। फिर सुबह 9:30 बजे मैं हॉल में झाड़ू लगा रहा था तो मैंने देखा कि केशव सर के लिए केला जूस और नारियल का पानी लाया था और जब केशव सर के रूम से बाहर आया तो उसने मुझे बताया कि सर ने सिर्फ जूस और नारियल पानी लिया है। उसके बाद सुबह 10:30 बजे खाने में क्या बनेगा ये पूछने के लिए केशव सर के कमरे में गया और जब उसने कमरे में दस्तक दी तो सर उसे पता चला कि कमरा अंदर से बंद है, तो फिर सर जब सर ने दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी नहीं खोला तो सर दीपेश नीचे आया और मुझे ये बताया कि